सबसे पहले तो राधे राधे। एंड आज जो है ना जन्माष्टमी का दूसरा दिन है, जन्म उत्सव है। तो हमारे घर में तो नंदलाल नहीं है, लेकिन नंदलाल के रूप में ना जुगल ठाकुर जी है। तो हम आज उनका स्नान करवा रहे हैं, जल अभिषेक करवा रहे हैं। तो गाइस, अभी हमने पंचामृत बनाया है। पंचामृत में काफ़ी कुछ दिया है हमने, जैसे घी, दही, मक्खन, दूध, मिश्री, इन सब चीज़ों से हम पंचामृत बनाया हमने। और उसके बाद हम ठाकुर जी को और राधा रानी को नहलाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत पॉजिटिविटी आ रही थी कि मैं ठाकुर जी को छू पा रही हूँ और अच्छे से निहार पा रही हूँ। मेरे घर में जो ठाकुर जी है वो बहुत बड़े बड़े हैं, उनके साथ मैं उतना अच्छा नहीं कर पाती हूँ, जैसे कि स्नान करवाना, वस्त्र पहनाना, तो वैसा कुछ होता नहीं है। और यहाँ पे जो है ना, इनके साथ सब कुछ हो सकता है, स्नान, खाना, सब कुछ हम इन ठाकुर जी के साथ कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। लेकिन जो अभी रिसेंट वाले जो ठाकुर जी हैं हमारे घर में, वो बहुत बड़े बड़े हैं, उनको लेके तो कहीं घूम नहीं सकते, बहुत भारी है, पत्थर के हैं। तो इसलिए ना फिर मैंने ये ठाकुर जी को मैं लेके आई हूँ घर में। और मेरी कुछ मन्नतें थी जो कि पूरा हो गया है। और मन्नत मतलब मैंने बोला था कि मेरा सब ठीक से चल जाए, सब ठीक ठाक हो जाए, मेरा एक अच्छा सा परिवार बने। तो सब बना मेरा, सब ठाकुर जी की कृपा से बन गया। ठाकुर जी ने मुझे सब दिया, जो चाहिए मुझे ठाकुर जी ने वो चीज़ दिया, बिन मांगे तक दिया मुझे ठाकुर जी ने। तो मैं क्या ठाकुर जी को अपने घर में ना लाऊं, तो इसलिए मेरे को लाना पड़ा ठाकुर जी को। एक तो है ही मेरे घर में ठाकुर जी, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं माना, क्योंकि मुझे निहारना है, दुलारना है, प्यार करना है, तभी मैं ठाकुर जी को लेके आई हूँ उनको। और इतनी पॉजिटिविटी आ रही थी ना जब मैं ठाकुर जी को स्नान करवा रही थी, राधा रानी को स्नान करवा रही थी। गाइस, मुझे नहीं पता कि कैसे क्या करना चाहिए, मुझे उतनी समझ नहीं है। और मैंने बहुत लोगों से पूछा, जैसे जैसे लोगों ने बताया वैसे वैसे मैंने किया। मुझे सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे जैसा आया है वैसा ही किया है, जैसा भी हो मैंने अपने मन से किया है, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को नहला दिया है, काफ़ी अच्छे तरीके से नहलाया है ठाकुर जी को, एकदम स्क्रब किया मैंने ठाकुर जी को। उसके बाद मैंने एक टॉवल लिया, नया टॉवल था, उसको हमने स्नान करवा के ही लपेटा। और देखो यहाँ पे अभी हमने गोद में ले लिया है कान्हा जी को, और एकदम ऐसा लग रहा है कि हमारा ही माधव है, छोटा सा माधव। एक्चुअल में मैं अपने घर में ना बोलती हूँ कि मेरे, कोई भी पूछता है ना कि आपके कितने बच्चे हैं, तो मैं बोलती हूँ मेरे 3 बच्चे हैं, माधव एंड मेरे कन्हैया और राधा रानी। तो वैसे ही बोलना होता है कि मेरे घर में 3 बच्चे हैं। तो मैं अपने ठाकुर जी को अपना बच्चा, अपना भाई, बहन, माँ, बाप सब समझती हूँ, फ्रेंड सब कुछ है मेरे लिए ये ठाकुर जी, सब कुछ। इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, ज़्यादा बोलूँगी तो आप लोग बोलोगे बोल दिए बहुत, जो भी है। तो अभी मैंने ना वो कृष्ण जी का जो पानी है ना वो अलग कर लिया है, इसको जो हमारा जो ये गमला है ना इसको धो के लाए हैं दोबारा से। तो यहाँ पे चंदन का एक स्वास्तिक बनाएंगे, तो स्वास्तिक के ऊपर रखेंगे हम राधा रानी को, एक तुलसी का पत्ता रखा उसके ऊपर हम ठाकुर जी को बिठाएंगे, मतलब राधा रानी को बिठाएंगे। तो अभी हम राधा रानी को स्नान करवाएंगे। तो गाइस, मैं पहले ही आप लोगों से मैंने माफ़ी मांगा है, मुझे जैसे आया मैंने वैसे किया, मेरी इतनी समझ नहीं है। आप लोगों को अगर गलत लगा या फिर कुछ भी मिस्टेक लगा तो मुझे प्यार से बोल सकते हैं, मैं उस चीज़ को ज़रूर दोहराऊंगी। तो देखो अभी मेरे पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं है राधा रानी के, मतलब एक ही जोड़े हैं, और फिर मुझे फिर से अगेन जाना पड़ेगा मार्केट, फिर दूसरा जोड़ा भी लेके आऊँगी। धीरे धीरे करके ना मैं बहुत सारे कपड़े ठाकुर जी के, राधा रानी के बनवाऊँगी, बहुत सारे बनवाऊँगी। बहुत मन है मेरा, बहुत इच्छा है ठाकुर जी को लेके, बड़ा खुश हुई हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा। एंड माधव को भी बोला, माधव आओ जल अभिषेक करो, और
स्नान करवाओ राधा रानी को, माधव ने भी किया तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसको पड़ी थी कार्टून की, सही है उसको कार्टून दिखाया ना सही है, क्योंकि फिर तो पूजा पाठ ये सब कुछ करने ही नहीं देता। तो हमने साइड में ग्लास में ना वो कृष्ण जी का भी जो जल अभिषेक किया था ना हमने पंचामृत का, तो वो मैंने साइड में रख दिया है। अभी राधा रानी का कर रहे हैं तो उनका भी हम मिक्स करके फिर सबको प्रसाद में बांटेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो इधर देखो साक्षी जी आई है, साक्षी ने तो राधा रानी सजी है और सज धज के ना यहीं आई है, मेरे पास ही आई है। बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे कि चलो राधा रानी आई है सज धज के, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। आज का दिन बहुत ही अच्छा था हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा बहुत कीमती था ये दिन। और अभी जो ठाकुर जी को नहला के मैंने राकेश के पास ना गोद में दे दिया है, और अभी उनको भी मेरे पास गाइस एक ही टॉवल था नया वाला, तो इसलिए फिर मुझे ना एक ही टॉवल में दोनों को लेना पड़ा। अब क्या करें, अब गाइस उतनी समझ है नहीं मेरे पास कि मैं कहाँ से क्या करूँ, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा और मैं सब कुछ धीरे धीरे हैंडल कर लूँगी। तो इधर देखो मेरे ठाकुर जी कितने बड़े हैं ना, बहुत बड़े हैं मेरे ठाकुर जी, और इनका मैं अच्छी तरीके से श्रृंगार भी कर पाऊँगी। मेरे जो मायके में है ना वो बहुत छोटे छोटे हैं, अच्छे से श्रृंगार हो नहीं पाता है, मतलब अच्छे से मतलब कान नाक दिखाई नहीं देता है। तब मैंने शादी से पहले लिया था, तो शादी से पहले मैंने बहुत पूजा पाठ किया घर में अपने मायके में। तो अभी तो मतलब मायके वाले को ही मैं सौंप के आई हूँ राधा रानी को। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड पता नहीं क्या है सुला रहे, मैंने बोला सुलाओ मत, खड़ा करवाओ उनको, अभी उनको वस्त्र पहनाना है। अब चंदन का जो है ना, चंदन का लेप लगाऊंगी मैं। चंदन का लेप लगाने के बाद उसके बाद अगेन मुझे स्नान करवाना है दोनों जने को। तो अच्छे तरीके से मैं चंदन का लेप लगा रही हूँ, दोनों ठाकुर जी को मैं चंदन का लेप लगाऊंगी। और ये जो चंदन है ना ये लकड़ी वाला चंदन है, इसको अच्छे तरीके से ना पत्थर में घिसा गया है फिर चंदन निकला है। तो मेरे घर में ना लाल चंदन और सफ़ेद चंदन दोनों है, मार्केट में मिल जाता है लेकिन थोड़ा महंगा मिलता है, 400-500 रुपये का मिलता है, लेकिन मुझे फ्री में मिल गया। पता नहीं बहुत पुराना पुराना है मेरे घर में, थोड़ा थोड़ा सा मतलब थोड़ा थोड़ा सा ही है, लिटिल बिट तो बहुत पुराना है चंदन। तो इधर देखो मैंने ठाकुर जी को स्नान करवा दिया है, और ये जितने भी पानी है ना वो सब मैं गमलों में डाल देती हूँ, इधर उधर पानी में नहीं फेंकना है, कहीं नहर में नहीं फेंकना है, मैं सीधे गमले में डाल देती हूँ अपने गमले में। घर में जितने भी फूल के पेड़ पौधे हैं ना वो सब उन्हीं में जाके डाल देती हूँ, जिससे कि ठाकुर जी का जो स्नान करा हुआ जो जल है उन्हें भी मिले, उन्हें भी खुशी होगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला सब पेड़ में देना, थोड़ा थोड़ा करके सब पेड़ों में देना। तो हमने तो अपने लिए रखा ही है और थोड़ा बहुत अपने पेड़ों को भी दे दो, उनको भी तो मिलना ज़रूरी है ना। तो सबको थोड़ा थोड़ा करके प्रसाद मेरे हस्बैंड ने दिया पेड़ पौधों में रात को ही। तो इधर मैं लगा रही हूँ अभी इत्र, अब इत्र कैसे लगाते हैं मुझे नहीं पता तो कभी मैंने इत्र लगाया नहीं है गाइस, कभी नहीं लगाई, ये लाइफ में पहली बार मैंने इत्र को छुआ, मैंने कभी टच भी नहीं किया, मैंने अपने आँखों से भी नहीं देखा इत्र, क्योंकि मैंने इत्र के बारे में बहुत सुना है, बहुत डरावना इत्र होता है, तो इसलिए ना तो मैंने कभी इत्र को कभी पलट के भी नहीं देखा और छुआ तक नहीं है इत्र को। तो इसलिए ना हाँ आज पहली बार मैंने इत्र छुआ, और कैसे क्या लगाते हैं मुझे नहीं पता। इत्र सुना है कि बहुत अच्छा फ्रेगनेंस देता है, और काफ़ी सुंदर फ्रेगनेंस दिया था, काफ़ी ज़्यादा। अब ठाकुर राधा रानी को पहले मैंने श्रृंगार किया है, राधा रानी का देखो बाल लगाया, उसके बाद धीरे धीरे करके मैं ठाकुर जी का भी करूँगी श्रृंगार। ये मज़ा नहीं आ रहा था पोनी टेल, तो फिर मैंने खोल लिया, फिर मैंने खुले वाले रखे ठाकुर जी का। और ना जब मैं खरीद के लेके आई थी ना तो उसे उसके बाद जितने भी कपड़े वपड़े थे ना वो सारे मैंने धोए, प्लस बालों को भी शैम्पू किया ठाकुर जी के, और इधर थोड़ा मैंने कपड़ों में भी लगाया, थोड़ा खुशबू आई ना मस्त वाली, तो मैंने बोला कि थोड़ा सा साइड में रख दे मेरी राधा रानी को,
इनका श्रृंगार हो गया है, ये अपने स्थान में बैठ जाए। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, लग रही है ना। और देखो मैं कितना सुंदर मैंने डेकोरेशन किया, जैसा भी किया मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटे में पीछे मैंने छोटा सा एक बैकग्राउंड दिया है ठाकुर जी को, पीछे एक फ्रेम रखा है। अब मैं पहना रही हूँ ठाकुर जी को धोती, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था, मैं भूल गई थी मैंने कैसे पहनाया था। फिर मैंने जैसे तैसे ठाकुर जी को धोती पहनाया तो फिर याद आ गया कि अरे हाँ वैसे ही तो मैंने पहनाया था। मैंने वीडियो देखा फिर जाके याद आया। अब मैंने ठाकुर जी को माला चढ़ाया, अब रियल वाला माला ना चढ़ाया नहीं क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, तो इसलिए फिर रियल वाला माला मैंने नहीं बनाया। कुछ दिन के बाद बनाऊँगी, मतलब कल बना दूँगी या फिर बृहस्पतिवार को बना दूँगी, तभी तो बनाऊँगी ना, लेकिन बना के पहनाऊँगी ज़रूर, बहुत मन है मेरा। और सबसे ज़्यादा मुझे आज मन था कि मैं मोगरा होता है, मोगरे का जो माला होता है वो बनाऊँगी, लेकिन जब मैं गई ना मोगरे के पेड़ के पास तो मोगरे में एक भी फूल नहीं था, तो बस चार कलियाँ थी, तो कलियाँ तोड़ के लाई, वो कोई किसी काम का नहीं था, तो फिर मैं डिसअपॉइंटेड हो गई और फिर मैंने नहीं बनाया। मैंने बोला आज के दिन तो कम से कम थोड़ा बहुत फूल हो ही जाता तो अच्छा लगता। तो मैंने ठाकुर जी को भी देखो वो इत्र लगाया, और मेरे को अब इत्र के बारे में बहुत कुछ पता है, तो मतलब अभी पता चला है रिसेंटली, तो मैं इतर अभी ठाकुर जी के लिए बहुत अच्छा अच्छा लेके आऊँगी। भले ही मैं अपने लिए परफ्यूम लाऊँ चेहरा लाऊँ, लेकिन ठाकुर जी के लिए ना अलग अलग टाइप के इतर लेके आऊँगी मैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा फ्रेगरेंस देता है इतर में। रोज़ थोड़ा थोड़ा करके इतर लगाऊँगी ना, काफ़ी अच्छा लगेगा। और हाँ, मैंने ना ठाकुर जी को ये रोज़ दिया है, मैंने बोला था कि मैं रोज़ दूँगी ठाकुर जी को, तो यहाँ पे तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो एक तो राधा रानी को दिया और एक कृष्ण जी को देना चाहिए था, तो फिर मैंने बोला तो एक ठाकुर जी के चरणों में देना चाहिए, अच्छा भी लगेगा, तो मैंने एक ठाकुर जी के चरणों में गुलाब दिया है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि गुलाब से पूजा नहीं होती है, तो फूल होती है, फूलों में भी क्या भेदभाव करना, मैं ये सोचती हूँ फूल तो फूल होता है ना, तो उसमें क्या भेदभाव करना है, इंसान में तो भेदभाव हो ही गया है, अब फूलों में क्या भेदभाव करना, तो इसलिए मैं फूलों में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती, मैं सीधा फूल तोड़ के ठाकुर जी को चढ़ा देती हूँ अपने मन से। अगर आपका मन अगर ठाकुर जी के लिए है ना, तो आप कुछ भी दो ठाकुर जी ज़रूर खा लेंगे, ज़रूर उस चीज़ को ना अपना लेंगे। यहाँ पे मम्मी पापा भी आए हैं, और इधर मैं दे रही हूँ हवा ठाकुर जी को। मेरा माधव बहुत शैतानी करता है, इसको भी मैंने बोला कि थोड़ा इस माधव के हाथ से खिलाओ करके, तो मुझसे तो हो नहीं पा रहा था। देखो अभी ये यहाँ से प्रसाद ले लेके खा रहा था, फिर इसको बुलाया मैंने और उसके पापा ने फिर पकड़ा। और यहाँ पे मम्मी लेके आई थी पॉपकॉर्न, तो मैंने ठाकुर जी को चढ़ा दिया है, और उससे पहले मैंने टॉफ़ी बिस्किट, उसके बाद चॉकलेट वगैरह भी मैंने चढ़ाए थे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, क्योंकि कल ही उनका जन्म हुआ है, और आज थोड़े से बच्चे हैं हमारे माधव जैसे बड़े हो गए हैं, तो इसलिए हमने ठाकुर जी को ये सब चॉकलेट वगैरह दिया है जिससे कि ठाकुर जी खाए। और यहाँ पे मम्मी पापा आए हैं, मैंने पहले आपको बोला है, अभी थोड़ी देर के बाद मेरे मम्मी पापा भी आ जाएंगे, मतलब मेरे मायके वाले भी आ जाएंगे, तो सबको बुलाया है मैंने घर में, जिससे पूजा पाठ संपूर्ण तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो। और पापा अभी मिश्री मक्खन खिला रहे हैं ठाकुर जी को, और सबसे ज़्यादा मेरे ससुर जी बहुत खुश हुए हैं, और मेरे को उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि वो बोलते हैं कि जैसा भी आता है इनको वैसा ही ये लोग पूजा करते हैं, सबको बोलते हैं कि माधव को लेके जो है मेरी बहू माँ कर नहीं पाती है, अभी वो बहुत शैतानी करता है तो उसको लेके हो नहीं पाता है इधर उधर का, तो इतना जो है ना मेरे सास ससुर समझते हैं, इतना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो और कुछ नहीं चाहिए मेरे लाइफ में, कितना समझ गए हैं कि जैसा भी करती है ठीक है, इसके लिए ठीक है, इसके लिए परफेक्ट है, जितना भी करती है ठाकुर जी के लिए बहुत है, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब कर लेना। तो यहाँ पे साक्षी ने भी ठाकुर जी को मक्खन खिलाया, और इसको तो बहुत पड़ी थी कि हाँ मुझे मक्खन खिलाना है, मक्खन खिलाना है, तो मतलब पूरा घर एकदम ऊपर कर लिया था इसने।
तो गाइस ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताना ज़रूर। बहुत मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये ब्लॉग एंड ये दिन, ये पल मैं कभी नहीं भूलूँगी।